दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर है, यहाँ से एक जो वायर गई हुई है दोस्तों, ये येलो कलर की वायर है। ये सिर्फ एक स्विच बोर्ड के अंदर सिर्फ एक ये वाली वायर जाएगी। न्यूट्रल वायर दोस्तों जो इन्वर्टर के अंदर आती है और स्विच बोर्ड के अंदर होती है वो सेम होती है, कॉमन होती है, इसलिए हम यहाँ से इन्वर्टर वायर नहीं लेके न्यूट्रल वायर नहीं लेके जाते, सिर्फ फेज वायर लेके जाते हैं एक, जो कि ये पीछे सॉकेट लगा होता है, इसके राइट साइड से फेज वायर एक कनेक्ट करके लेके जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये येलो कलर की वायर है, ये बीच में जाके इसमें एक ज्वाइंट लगा देते हैं, जहाँ पे आगे जाके एक वाइट वायर बन जाती है, सफ़ेद कलर की वायर बन जाएगी ये। तो अभी देखेंगे हम कि स्विच बोर्ड के अंदर कैसे इसके कनेक्शन किए जाएंगे। स्विच अगर मान लो हमें कहीं पर बोर्ड में इन्वर्टर की वायरिंग करनी है, इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए, जैसे कि फ़ैन में चाहिए, लाइट में, सॉकेट में, तो कैसे करना है। तो ये इन्वर्टर था, मैंने इन्वर्टर से दिखा दिया कि कैसे एक वायर जाएगी जो स्विच बोर्ड के अंदर वहाँ पे चली जाएगी। तो चलिए हम स्विच बोर्ड की साइड चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे स्विच बोर्ड के पास आ गए हैं। इस स्विच बोर्ड के अंदर हमने इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। अभी इसके अंदर इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे इन्वर्टर की वायर आई हुई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देते पहले बता देता हूँ कि किस किस के अंदर हम इन्वर्टर के कनेक्शन करने वाले हैं। एक सॉकेट के अंदर हम इन्वर्टर के कनेक्शन करेंगे और एक फ़ैन के अंदर हम इन्वर्टर के कनेक्शन करेंगे और दो हमारे लैंप हैं उनके लिए इन्वर्टर के कनेक्शन करेंगे। जो ये तीन पॉइंट है अलग दोस्तों, इनके लिए हम सिर्फ मेन सप्लाई से ही छोड़ देंगे। तो हमारा एक सॉकेट हो गया, एक फ़ैन हो गया और एक दो लाइट होगी, इनके हम कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रीशियन था उसने ये वायर यहाँ पे इन्वर्टर की वाइट कलर की डाल के छोड़ रखी है, आगे टेप मार के छोड़ रखी है, ठीक है। ये वाइट कलर की है दोस्तों, मैंने आप वहाँ पे येलो कलर की दिखाई थी, वो बीच में इसका ज्वाइंट लगा के येलो ये वाइट कलर की वायर लेके आए हुए हैं वहाँ से इन्वर्टर से। तो अभी इसकी वायरिंग इसके अंदर कहाँ पर कनेक्शन करने हैं स्विच बोर्ड के अंदर, मैं वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा ये वाला सॉकेट है, सॉकेट का ये वाला स्विच है, और ऊपर के हमने दो लैंप लिए थे, दो लैंप के ये वाले स्विच हैं, और फ़ैन के लिए जो दोस्तों स्विच है वो ये वाला स्विच है। इसके अंदर हमने इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मेन सप्लाई आई हुई है, ये जो सबस्टेशन से सप्लाई आती है, ग्रिड से, गवर्नमेंट से सप्लाई आती है, वो ये वाला जो मैंने येलो कलर सॉरी रेड कलर की केबल पकड़ रखी है, ये वाली फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। जो ये रेड कलर की है दोस्तों, ये सारे के सारे स्विच के अंदर यहाँ से ये इस तरह से सब के अंदर गई हुई है, और ऊपर वाले में ये इस वायर के थ्रू ऊपर वाले में गई हुई है इस तरह से। तो जहाँ पे हमने इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, उस स्विच से जहाँ जिस स्विच में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, उस स्विच से हमने मेन सप्लाई जो ये रेड कलर की वायर आई हुई है उसको हटा देना है। तो जैसे कि हमने इस सॉकेट वाले स्विच में करना है, तो ये सॉकेट वाले स्विच में से ये सप्लाई यहाँ से हटा देंगे और बिल्कुल फ्री कर देंगे इसको। और इसी तरह से अगर हमने इन में करना है, तो ये वाली वायर यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से जो मेन सप्लाई आई हुई है उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले हम इसी को हटा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने ये वाली वायर हटा ली, ये वाली वायर हटाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये और ये फ़ैन रेगुलेटर का तीनों के तीनों हट गए हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, जो ये लिंक लगा हुआ दोस्तों सॉकेट वाली के अंदर, ये सीधा डायरेक्ट इसको भी हम हटा देंगे, ताकि हम यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकें। इन्वर्टर का कनेक्शन और मेन सप्लाई दोनों को शॉर्ट नहीं होने देना है, दोनों को एक साथ कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है और इन्वर्टर भी जल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो लिंक है, इसको भी हम यहाँ से इसको खोल के निकाल देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, और दोस्तों ध्यान रहे कि पीछे से पावर सप्लाई है उसको भी बंद कर लें, इन्वर्टर की सप्लाई को भी बंद कर लें, ठीक है। ये भी फ्री हो गया और ये वाला भी फ्री हो गया। अभी हम जो इन्वर्टर की वायर दोस्तों, ये वाली इन्वर्टर की वायर है, इसको हम आगे से इसको खोल के, पीछे से इन्वर्टर चल रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पूरे घर का लोड है, इसलिए मैंने बंद नहीं किया। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, और इसी के साथ हमने जो ऊपर वाला हमने कनेक्शन करना है, इसके साथ में इसको जोड़ देना है, या फिर आप इसको इन दोनों को साथ में जोड़ के प्लायर वगैरह के साथ ट्विस्ट करके अच्छे से और कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक साथ इसको ट्विस्ट कर लेते हैं, न्यूट्रल वायर का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि सब के अंदर कॉमन रहता है, जो इन्वर्टर के अंदर गया हुआ है वही यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए हमें इन्वर्टर न्यूट्रल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सप्लाई चली जाएगी तो न्यूट्रल हमें रिवर्स में मिलता रहेगा, जो इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर की चार्जिंग वाली केबल होती है दोस्तों, उसी से न्यूट्रल बैक मिल जाएगा।
तो अब हमने यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन जोड़ दिया और यहाँ पे भी आ गया, अभी इसी वायर के थ्रू अगले वायर में आ गया, अगले स्विच में आ गया, अगले स्विच में इसी से इस फैन में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर पे स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से। इसके अंदर सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेन सप्लाई है और इन्वर्टर की सप्लाई है उन दोनों को आपस में टच नहीं होने देना है, उन दोनों को आपस एक दूसरे से दूर रखना है, ठीक है। जहाँ पे हमने इन्वर्टर का कनेक्शन करना है वहाँ से मेन सप्लाई की वायर है, जो मेन सप्लाई का कनेक्शन है उसको हटा देना है और इन्वर्टर के कनेक्शन को जोड़ देना है। दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि कैसे एक इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप भी अभी कोई सवाल या सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।